अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हमारे सेटअप पर ये कबूतर भी आ चुके हैं, और मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो मेल वो वाइट, जो उसके साथ फीमेल उसके साथ लगा हुआ है, और ये वाला जो हमारा काला कबूतर है ये वाला, ये इस रेड वाली फीमेल के साथ लगा हुआ है। ओ ये कबूतर माशाल्लाह कहाँ बैठ गया, ये गवाच ही ना जाए। चल 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 चल, इधर इसको उतारने की कोशिश करता हूँ। इसके पार तो मैंने बांधे हुए थे, लेकिन ये फिर भी यहाँ बैठ गया। इसको इसके साथ उतारता हूँ, इस डंडे के साथ। तो ये देखो माशाल्लाह नीचे आ गया, शुक्र है अल्लाह का। तो मुझे तो ये डर था कि ये उड़ी ना जाए। तो चले हम इसको वो अपनी मुर्गियों को देखते हैं और उनको पानी डालते हैं तब तक। तो ये माशाल्लाह मुर्गियाँ हमारी फिर रही हैं, तो ये हम पानी डाल देते हैं इनको। तो ये हमारे जो चूज़े फिकर पक फिर रहे हैं ये वाले, ये देखिए माशाल्लाह ये निके निके छोटे छोटे। तब तक हम अपने डब की ब्रीडिंग देख लेते हैं कि इस ये वाली फीमेल कल की अंदर बैठी हुई है। तो चलें इसके अंदर देखते हैं कि इन्होंने, ये पहले बंद कर लेते हैं हम, इन्होंने देख लेते हैं कि इन्होंने एग दे दिए हैं कि नहीं। तो ये मैं बॉक्स इसका उतार लेता हूँ। तो मुझे लगता है माशाल्लाह यहाँ पर इसने एक एग दे दिया है। मुझे ऐसे लग रहा था कि इसने एग, चलो इसका हम घोंसला अच्छे तरह से खुद ही बना देते हैं ताकि इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखिए मैंने ऐसे इसके गोल सा घोंसला बना के और ये एग इसके अंदर रख दिया है। तो अब हम इसको यहाँ लगा देते हैं ताकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, अपने अंडों को सेकना शुरू कर दे। तो ये देखिए ये हमने लगा दिया। और ये हमारी फिंचीज़ है, इनकी भी ब्रीडिंग आपको मैं दिखाऊँगा किसी दिन, क्योंकि अभी भी ये लगाए हुए इसको 10 से 12 दिन भी नहीं हुए, 5 से 7 दिन हुए हैं। तो इसका भी रिज़ल्ट हम आपको दिखाएंगे। और वो देखिए माशाल्लाह एक रिंग डैग का पेयर लाए थे हम, आपको वीडियो अपने दिखाई थी। तो देखते हैं कि वो ब्रीड करता है कि नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नए पेयर तो लाए हैं, ये कबूतर लाए हैं हम। इसको ये वाला पिंजरा है ना, ये वाला पिंजरा, हम इसके अंदर इनको बंद किया करेंगे, 2-4 दिन बंद करेंगे। और इनके अभी मैंने पर बांधे हुए हैं। तो ये वाली जो फीमेल है और ये वाला जो फीमेल है, इन दोनों के पर काटे हुए हैं, और ये वाला मेल और ये वाला, इनके भी पर बांधे हुए हैं। तो जो 2-4 दिन रहेंगे तो हम इसके पर खोल देंगे और ये इनको आज़ाद कर देंगे। तो ये देखें वो वहाँ पर भी लोगों ने रखे हुए हैं कबूतर, ये देखें। तो फिर हम इनको यहाँ पर छोड़ा करेंगे इसके ऊपर, और जो वो हमारा मास्टर केज है इसके ऊपर छोड़ दिया करेंगे, और ये यहाँ फिरते रहेंगे। और ये हमारी मुर्गी हैं माशाल्लाह, ठंडी जगह पर बैठी हुई हैं। तो चले हम इसको कबूतरों को बंद करते हैं। तो ये देखो हम सामने अपना कबूतर उड़ाया है, और ये देखे माशाल्लाह ये उड़ रहा है, और इसको लगता है ये अपनी वो ऊपर जो, ये देखे नीचे भी खड़ा हुआ है। तो ये हमारे कबूतर हैं जो आज हम लाए थे सेटअप पर। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब चेक करें कबूतर। और आपने हमें ये बताना है ये कौन से कबूतर है। ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के जानेब।